इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में इन दिनों मुंबई से भारतीय नौसेना के टीम के कोच और मणिपुर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एम सुरंजॉय सिंह द्वारा 14 खिलाड़ियों को बॉक्सिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां तैयार ये खिलाड़ी 14 से 21 सितंबर तक बैंगलोर में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तो हम लोग हिमाचल में आए इसलिए कि हम जो पहले तो हम नेवी टीम आया है, क्योंकि हम लोग को जो टीम है यहाँ हाई एटीट्यूड ट्रेनिंग दिलाया है यहाँ, तो इसके बीच में ये अच्छा हो क्योंकि हमको नेशनल के डेट भी आ गया, तो हम इसके हिसाब से ट्रेनिंग जो यहाँ हो रहा है लेकिन अच्छी हो रहा है यहाँ। हम लोग को जो कंपटीशन है अभी ये नेशनल होने वाला है 14-21 सितंबर ये बेंगलोर बेलारी में हो रहा है, तो हम मेन इसके लिए तैयार चल रहा है मेरे से। इसमें से मैं हम लोग सर्विसेज टीम से मेरा 3 बॉक्सर खेल रहा है, इसमें फ्लाईवेट, बेंटम वेट और लाइट मिडल वेट के खेल रहे हैं, तो इसमें साथ साथ अच्छा ही हो रहा है कि हमारे यहाँ हिमाचल के भी ये मतलब 2-3 लड़का मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहा था, कमांड ट्रेनिंग भी हो रहा था यहाँ उनके साथ, वो लोग भी मतलब नेशनल के लिए भी ट्रायल के लिए गया हुआ है, यहाँ कोई कंडीशन हो रहा है इनका नेशनल जाने के लिए, तो वो लोग भी यही आता है यही ट्रेनिंग करते हैं, वो लोग भी ये कंडीशन के बाद भी फिर वो लोग बोल के गए फिर आएंगे यहाँ और यहाँ ट्रेनिंग करेंगे। संदेश ये देना चाहूँगी क्योंकि अपना देश में खासकर पढ़ाई जॉब उसमें चले जाते हैं, मेरा सोच यही है क्योंकि जो भी है जो स्पोर्ट्स में आना चाहिए, भलाई इतना बड़ा खेलो ना खेलो, अगर आदमी कम से कम एक दिन में 1 घंटा वर्कआउट भी करेगा तो फिजिकल फिटनेस एकदम फिट में रहेगा, जो बीमार नहीं पड़ेगा, जो हम लोग ये चाहते हैं कि जो बीमार ना हो, लेकिन आदमी फिट रहेगा तो सब कुछ जो भी करना चाहता है वो आराम से कर लेगा। इसके बारे में तो मेरा सोच तो यही बताऊंगा क्योंकि हम फिट रहे, हम ज़्यादा बाहर ना घूमें, अपना ट्रेनिंग करें, जो अपने हिसाब से ट्रेनिंग करें, जो हम फिजिकल फिटनेस में ज़्यादा ध्यान दें, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ करें हम लोग, ऐसे पंजाब के है, उत्तराखंड के है, और नहीं अभी यह जो यहाँ अपना मेरा स्टूडेंट है यहाँ नेवी टीम में, इसमें 14 स्टूडेंट्स है यहाँ, हम 3 कोच है और 2 फिजिकल कंडीशनर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।